तो हेलो भाइयों, क्या हाल चाल। तो भाई ऐसे ही मैं रोज की तरह वेला बैठा हुआ था, तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, और तभी मुझे देखी इस बंदे की वीडियो। मतलब इस बंदे की वीडियो में ना भाई आपको सिर्फ तीन चीज दिखेगी, और उसका नाम है सिंपथी, सिंपथी, सिंपथी। जी हाँ दोस्तों, और भाई आजकल के लोग ना अलग ही नशा करके बैठे हुए हैं भाई, अलग नशे। मतलब भाई इसके हर एक वीडियो पे आपको 1 मिलियन के अंदर व्यूज नहीं दिख सकते भाई। तो भाई क्या कर सकते हैं, तो आज हम इसी पे रोस्ट करने जा रहे हैं। तो इस बंदे का नाम है गुलशन कलरा, नाम अजीब है लेकिन कोई बात नहीं, ओके तो गुलशन कलरा नाम है। तो चलिए रोस्ट करते हैं इसको। अरे मेरा वॉलेट कहाँ गया? उसमें जरूरी क्रेडिट कार्ड्स थे। एक काम करते सर, हम लोग शाम तक वेट करते, हो सकता है जिसको भी मिले वो हमसे कांटेक्ट करे। तो भाई इन बंदों के अंदर दिमाग नाम की चीज है ही नहीं। मतलब थोड़ा सा और पीछे आके देख लेते तो क्या पता इनको इनका पर्स मिल जाता, मगर नहीं, हमें तो क्रिंज वीडियो बनानी है ना। तो भाई चलो कोई ना, आगे वीडियो देखते हैं, क्या पता इन भाई सबको इनका पर्स मिल जाए। यार शाम हो गई पर वॉलेट का कुछ पता नहीं चला। एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। हेलो, ठीक है मैं आता हूँ। किसी का फोन था, वो बोल रहे थे वॉलेट उनके पास है और वो हमें पास के गांव में बुला रहे हैं। सर ये आपको फंसाने की साजिश हो सकती है, जिसको भी वॉलेट मिला उसने इतनी लेट कॉल क्यों किया? भाई इस पूरी वीडियो में सबसे बड़ा सटकेला इसका दोस्त है। जी हाँ दोस्तों, झूठ नहीं बोल रहा, मां कसम। क्या पता भाई फोन ही लेट मिला हो, इसलिए जिसको भी फोन मिला हो उसने लेट कॉल किया हो। यार दिमाग किधर है तुम्हारा? नहीं यार हमें चलना चाहिए वो वॉलेट लेने। भैया ये लो आपका वॉलेट। यार इसमें तो सब चीजें बराबर है। बेटा आपको क्या चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो मैं दिलाऊंगा। भैया बस आप मुझे 20 रुपए दे दो। सिर्फ 20 रुपए ही क्यों? क्योंकि बीड़ी पीना है मेरे को। मेरे पास बस का किराया नहीं था, मैं एक अंकल से उधार लेकर आपको ये वॉलेट लौटाने आई हूँ, और मुझे उन अंकल को पैसे देना है। अरे रे, मुझे एक बात बताओ यार, ये लड़की उस बंदे को फोन करके वहीं क्यों नहीं बुला लेती जहाँ पर वो है अभी? लेकिन नहीं, हम तो पहले अंकल से 20 रुपए मांगेंगे, 20 रुपए मांगने के बाद हम बस से आएंगे, बस से आने के बाद हम उस बंदे के पास जाएंगे, उसको उसका फोन देंगे, उससे 20 रुपए मांगेंगे और फिर अंकल को देंगे। तो मुझे एक बात बताओ यार, नहीं तुम लड़की मुझे एक बात बताओ कि तुम फिर वापस बस से जाओगी कैसे? कम से कम 40 रुपए तो मांगो यार उससे। किसी ने सही कहा है, बच्चे सच में भगवान का रूप होते हैं। चलो कोई बात नहीं यार, चलो दूसरी वीडियो देखते हैं, क्या पता भाई कुछ अच्छा ही मिल जाए। तन को छाया पेड़ की मिल गई। हाँ भाई हो गया है पैसे का इंतजाम, करते हैं आज पार्टी। फुसलाने से फिर खिल गई कुछ ऐसा ही अब मैं। इसने जो इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाया ना, वो कहीं से इसके कंटेंट से मैच ही नहीं हो रहा यार। धूप में जलते हुए तन को छाया पे। भाई इसके पापा हर बार पैसे रख के भाग कहाँ जाते हैं? संजू अभी मैंने गुलशन को बात करते हुए सुना। हाँ भाई आज भी चुरा लिया मैंने पापा के सेफ में से पैसे और उन्हें पता भी नहीं चला। मुझे पता है कि वो पैसे चोरी करता है, कुछ ऐसा रहे। पर वो तो तेरी दवाइयों के पैसे थे, तुझे पता है ना कि वो चोरी करता है, तो फिर तू यहाँ रखता क्यों है? अरे रे रे, मतलब वो बंदा अंधा वंदा तो नहीं है यार? मतलब बगल में वो आदमी अपना पूरा शरीर के साथ उसको देख रहा है, लेकिन ये बंदा उसको देख ही नहीं पा रहा है यार। और मजे की बात बताऊ एक, कि भाई पीछे से एक ही बंदे ने सबकी आवाज दी है, कि भाई बाकी दो लोगों की आवाज नहीं है क्या? वो बोल नहीं पाते हैं क्या? उनसे बुलवा लो यार पीछे से। अरे मैं तो चाबी अंदर ही भूल गया। उसे नहीं पता कि मेरे दवाइयों के पैसे, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसे पता चलेगा ना तो वो ये काम कभी नहीं करेगा। और ऊपर से भाई मुझे एक बार बताओ, जब ये बंदा अपने पापा के दवाई के पैसे चुरा रहा है तो इसके पापा दवाई कहाँ से खा रहे हैं? भाई पूरा दिमाग कलोचा हो गया मेरे। पापा लो बेटे को पता चल गया, अब क्या, अब हैप्पी एंडिंग और क्या? पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो भाई अब एक और वीडियो देखते हैं भाई, ठीक है जरा देखिए उसमें क्या है। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहां चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता
जब मैं यहाँ आई थी तब भी तुम्हें देख रही थी, कैसे घूर घूर के देख रहे थे तुम मुझे। देखो देखो ये छेड़ रहा है मुझे। क्यों रे, लड़की छेड़ता है, मारो इसको। उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। किसी और की गलती के कारण मैंने एक बेगुना को गलत समझा। दोस्तों कभी भी सच जाने बिना किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। चल भाई मान लिया कि तू अंधा है, मगर भाई गूंगा थोड़ी ना है तू। तू बोल सकता है कि हाँ मैंने इस लड़की को नहीं छेड़ा, लेकिन नहीं, दिमाग कहाँ है हमारे अंदर, हमें तो भाई क्रिंज यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने हैं ना। तो दोस्तों आप कहोगे कि मैं पूरे वीडियो में ये काला चश्मा क्यों पहन के बैठा हुआ हूँ, तो भाई मुझे आपको एक बात बतानी थी कि मैं भी यार अंधा हूँ यार। तो भाई आज आपको थोड़ा सा मुझ पर दया आ रही हो ना, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दो यार भाई प्लीज यार वीडियो को। What? What the?